हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात कर रहे हैं आईपीएल अवार्ड 2019 जो कल फाइनल हो चुका है, मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, जिसमें मुंबई इंडियंस ने शानदार 1 रन से जीत हासिल की। तो उसमें जो अवार्ड मिले हैं उसके बारे में आज बात करने वाले हैं, किसको कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑरेंज कैप। तो ऑरेंज कैप मिला है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ने 692 रन पूरे टूर्नामेंट में बनाए, इसलिए उन्हें ऑरेंज कैप मिला है। अगला है पर्पल कैप। पर्पल कैप बने हैं इमरान ताहिर, इन्होंने 26 विकेट पूरे टूर्नामेंट में लिए। यह चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं और डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है टूर्नामेंट का उभरता हुआ खिलाड़ी कौन है। तो टूर्नामेंट का उभरता हुआ खिलाड़ी है सुमन गिल। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी हैं सुमन गिल, टूर्नामेंट का उभरता हुआ खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है टूर्नामेंट में सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया है। तो हार्दिक पांड्या ने टूर्नामेंट में सबसे तेज अर्धशतक लगाया, मात्र 17 गेंदों में 50 लगाई। ठीक है, आगे बात करते हैं सबसे शानदार कैच। तो सबसे शानदार कैच कीरोन पोलार्ड ने लिया है, जो कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान यह सबसे शानदार कैच रहा और यह मुंबई इंडियंस टीम में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट किस खिलाड़ी का रहा है। तो आंद्रे रसेल का सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा है, उन्होंने 207 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, 207 लगभग 207 के स्ट्राइक से रन बनाए हैं। यह कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे स्टाइलिश प्लेयर इस टूर्नामेंट के दौरान। सबसे स्टाइलिश प्लेयर रहे हैं लोकेश राहुल, जो कि पंजाब की टीम से खेलते हैं। लोकेश राहुल सबसे स्टाइलिश प्लेयर चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है गेम चेंजर ऑफ द टूर्नामेंट। तो गेम चेंजर ऑफ द टूर्नामेंट राहुल चहर बने हैं, जो कि मुंबई इंडियंस टीम के स्पिनर खिलाड़ी हैं। उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की फाइनल में, इन्होंने मात्र 4 ओवर में 14 रन दिए और 1 विकेट भी लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैन ऑफ द मैच। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बना है। तो जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में मात्र 14 रन दिए और 2 विकेट भी हासिल किए, इसीलिए इन्हें मैन ऑफ द मैच मिला है। यह मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है मैच का सर्वश्रेष्ठ कैच। तो फाइनल मैच का सर्वश्रेष्ठ कैच लिया है शार्दुल ठाकुर ने, जो कि चेन्नई के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है मैच का सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक फाफ डू प्लेसिस। सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट फाफ डू प्लेसिस, इन्होंने 13 गेंदों में 26 रन की बेहतरीन तेज तर्रार पारी खेली। वह चेन्नई सुपर किंग के यहाँ पर ओपनर बल्लेबाज हैं। अगला क्वेश्चन है स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द मैच। तो स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं कीरोन पोलार्ड को स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द मैच, इन्होंने बेहतरीन पारी खेली, 25 गेंदों में 41 रन की नाबाद पारी खेली। आखिरी क्वेश्चन है गेम चेंजर ऑफ द मैच। तो गेम चेंजर ऑफ द मैच भी बने हैं राहुल चहर, जो कि मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की, 4 ओवर में मात्र 14 रन दिए और बेहतरीन 1 विकेट झटका, जिसकी बदौलत मुंबई इंडियंस ने 1 रन से बेहतरीन जीत हासिल की। तो एक क्वेश्चन आपके यहाँ पर अभी NTPC का जो एग्ज़ाम होने वाला है, JEE का होने वाला है, RRB ग्रुप डी कई एग्ज़ाम है, सब में पूछे जाएंगे। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, इसीलिए आप लोग यहाँ पर आपके कॉपी पर लिख सकते हैं, जिससे आपको याद बना रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना। जय हिंद।